सभी प्रशिक्षु साथियों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की हिंदी की क्लास है ये आपकी, और आज हम टेस्ट लेने वाले हैं, क्योंकि एवरी संडे आपका टेस्ट होता है। शाम 4 बजे भी आपका टेस्ट होगा प्रबंधन वाली क्लास का। ठीक है गाइज, तो चलिए इस टेस्ट की शुरुआत करते हैं। आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना। टॉप 10 क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं जो आपको सामान्यतः पता होना चाहिए। चलिए टेस्ट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? यानी भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हिंदी, ऑप्शन नंबर बी आपके सामने है संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी तमिल, या ऑप्शन नंबर डी उर्दू। तो आप सभी को इसका सही जवाब बताना है, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, तमिल या उर्दू? बिल्कुल सही, तो आपका सही जवाब है हिंदी। हिंदी ही सबसे ज्यादा भारत में बोली जाती है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतवर्ष में हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे? यानी जो हिंदी है उसको भारतवर्ष में किस वर्ग में रखेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए है तकनीकी भाषा, नेक्स्ट ऑप्शन है राजभाषा, थर्ड ऑप्शन है राष्ट्रभाषा, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी सभी बच्चे कमेंट में आंसर बताइए। भारतवर्ष में हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे? तकनीकी भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाता है राज्यभाषा। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। ज्यादातर बच्चे इसी ऑप्शन को लगाते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। ये हिंदी हमारी राजभाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? जल्दी से आप बिना ऑप्शन देखे इसका जवाब दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको पिन मिलेगा, आप वहां से ज्वाइन हो जाना। चलिए मैं ऑप्शन दे देता हूं, 14 मार्च, ऑप्शन नंबर बी आपके सामने है 8 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी 17 अप्रैल, एंड ऑप्शन नंबर डी 10 जनवरी। आप सभी जल्दी से आंसर बताइए, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 10 जनवरी। 10 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो बताइए बच्चों, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपको मैंने टॉपिक पढ़ा दिया है विराम चिन्ह का, उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है। आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर की हिंदी में ये क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। तो बताइए, विसर्ग का चिन्ह है, आपके सामने ऑप्शन दे दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी भी आपके सामने दे दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। सही जवाब आप जल्दी से बताइए, विसर्ग का चिन्ह इनमें से कौन सा है? सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग का चिन्ह यही है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी मैंने आपको कल कराया था क्वेश्चन, कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी मानी है? ऑप्शन नंबर ए 20, ऑप्शन नंबर बी 14, ऑप्शन नंबर सी 5 एंड ऑप्शन नंबर डी 21। बताइए, कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या
कितनी मानी है? आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी विराम चिन्हों की संख्या 20 मानी गई है कामता प्रसाद गुरु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 14 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी आपके सामने है 10 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 18 फरवरी, ऑप्शन नंबर डी 27 मार्च। अभी मैंने आपसे पूछा भी था राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, यानी टीचर्स डे कब मनाया जाता है, नहीं टीचर्स डे नहीं, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक है गाइस, आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 14 सितंबर को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7, वचन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए एक प्रकार के, ऑप्शन नंबर बी दो प्रकार के, ऑप्शन नंबर थ्री तीन प्रकार के, एंड ऑप्शन नंबर डी चार प्रकार के। बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही बच्चों, बात नहीं, बिल्कुल सही। आपका सही जवाब है वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वर्णमाला में स्वरों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? ये क्या की जगह कितनी कर लेना। ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 11, एंड ऑप्शन नंबर डी 14। वर्णमाला में स्वरों की संख्या मानी गई है या है ऑप्शन नंबर सी 11। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? बताइए जल्दी, एक प्रकार के या फिर दो प्रकार के, तीन प्रकार के या चार प्रकार के? आपका सही जवाब आपको बताना है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ऑप्शन नंबर सी यानी 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 4 प्रकार, ऑप्शन नंबर बी 9 प्रकार, एंड ऑप्शन नंबर सी 3 प्रकार, और ऑप्शन नंबर दो डी 2 प्रकार। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन कौन से विशेषण होते हैं। यही आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। आज का टेस्ट कैसा रहा आप सभी कमेंट बॉक्स में बताना, और कल से आपकी हिंदी की क्लास रेगुलर स्टार्ट हो ही रखी है 10 बजे, तो आप सभी ज्वाइन करना न भूलना। जो चैनल पर नए मेहमान हैं सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले क्लासेस की PDF के लिए, और शाम 4 बजे भी आपका टेस्ट होगा। आप सभी बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।